हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल सारी ब्यूटी रेसिपी। कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं बात करने वाली हूँ पिगमेंटेशन डाइट पे। पिगमेंटेशन के टाइम में लास्मा और झाइयों के टाइम पे क्या आहार लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। पहले तो मैं अपना पिक्चर लगा देती हूँ पहले का, क्योंकि जो नए व्यूअर्स है ना, तो उन्हें समझ में नहीं आता है कि मेरा स्किन पहले कैसा था। उन लोगों के लिए मैं ये पिक्चर लगा दे रही हूँ। पहले आप देख लीजिए कि मेरी स्किन इस तरीके से थी, पूरे फेस पे पिगमेंटेशन और झाइयां थी, और मैंने बहुत बहुत मेहनत किया अपने पिगमेंटेशन को हटाने के लिए, और आज रिजल्ट ऐसा है कि मेरा स्किन बिल्कुल भी साफ है। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ पिगमेंटेशन में क्या खाना चाहिए सुबह से लेकर रात तक, और क्या चीज नहीं खाना चाहिए। कभी क्योंकि कभी कभी जो गूगल होता है ना, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है ना, वो रॉन्ग देता है। मैंने अपने डॉक्टर से बोला, डेंटोलॉजिस्ट से बोला कि मैम क्या हमें सोयाबीन खानी चाहिए, तो मैम ने बोला कि बिल्कुल नहीं, सोयाबीन तो बहुत ज़्यादा गर्म करता है। और तो मैंने बोला मैम क्या हमारी पीरियड्स होती हैं जो, वो बहुत गर्म करता है बॉडी, उसकी वजह से भी पिगमेंटेशन होती है। मैम ने बोला बिल्कुल, पीरियड जो बॉडी में होते हैं हमारे फीमेल के बॉडी में, उसकी वजह से भी पिगमेंटेशन बहुत सारे लोगों को जाती है, क्योंकि वो बहुत गर्म करता है। आपने देखा होगा जिन जिन लोगों का मेनोपॉज होता है, उनके फेस कितनी क्लियर होती है। मेनोपॉज उन लोगों की होती है जो हम लोग के मम्मी मम्मी की एज की होती होंगी, 50+ होती होंगी। तो मेरी मम्मी इस समय 51 ईयर की है, उनका मेनोपॉज हो गया, उनका स्किन तो पहले से भी बहुत ज़्यादा अच्छा और क्लियर है, और कभी भी उनके स्किन पर मैंने एक दाने और एक तिल भी नहीं देखा है। इवन मेरी दो सिस्टर है, उन लोगों का भी फेस बिल्कुल भी क्लियर और ब्यूटीफुल है। पता नहीं क्यों मेरे फेस पे ऐसा हो गया था। मैम से मैं बोलती हूँ कि मैम ऐसा कुछ मेरे, मतलब मेरे मम्मी या मेरी बहनों पापा में ऐसा कुछ कोई दाग धब्बे नहीं है, मेरे स्किन में ऐसा क्यों हो गया? तो मैम ने बोला कभी कभी हमारा लाइफ स्टाइल रॉन्ग हो जाता है, कभी कभी हमारी बॉडी में जो पीरियड्स आते हैं उसकी वजह, बहुत गर्माहट होती है उसकी वजह से हो जाता है, कभी कभी पिल्स वगैरह खाने से हो जाती है। तो मैंने मैम से बताया कि मैम ये रीज़न है, मैंने ये किया है। तो बोली हाँ इस तरीके से हो जाती है। तो गाइस चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ पिगमेंटेशन में डाइट कैसे लेनी चाहिए। पहले आप मॉर्निंग में उठिए, बहुत ही ज़्यादा, मतलब देखिए पिगमेंटेशन के टाइम में ना मैं बहुत खुश रहती थी, खुश तो मैं हमेशा रहती हूँ। तो आपको हैप्पी रहना है, खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है, और ये सोचना है कि पिगमेंटेशन हाँ मेरा ठीक हो जाएगा। तो पिगमेंटेशन जब आपको सही करना है ना, उस समय आपको मॉर्निंग में उठना है और एक ग्लास ल्यूक फॉर्म वाटर लेना है, उसमें नींबू निचोड़ देना है और आपको इसको पी जाना है, क्योंकि जो नींबू होता है ना, नींबू उसमें विटामिन सी है, और हमें पिगमेंटेशन खत्म करने के लिए विटामिन सी डाइट में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नींबू का पानी हम लोगों ने पी लिया। उसके बाद आपको अपने घर का काम, ऑफिस का काम जो भी है आप वो करिए। उसके बाद आप ब्रेकफास्ट में ना भर भर के आप गाजर लीजिए। क्या लेना है आपको? गाजर, चुकंदर लेना है, बीटरूट उसको कट करना है, हाँ जूस भी पी सकते हैं आप, इसे कट करके भी खा सकते हैं। और कट करके अगर खाएंगे सैलड की जैसे, फ्रूट के जैसे, तो आपको फाइबर मिलेगा। अब फाइबर जब हमारे पेट में जाएगा ना, तो हमारी पेट साफ होगा। जब हमारा पेट साफ होगा ना, तो सारी बीमारियां खत्म हो जाती है, हमारा स्किन जो है ना वो बिल्कुल भी साफ सुथरी और चमकने लगती है। ठीक है, आप एक प्लेट में गाजर लेंगे और चुकंदर, उसको कट करके, छोटा छोटा कट करके आपको खाना है। आपको नहीं अच्छा लगता है फिर भी आपको खाना है, क्योंकि ये पिगमेंटेशन के डाइट में मैंने लिया है। उसके बाद आपका ये ब्रेकफास्ट हो गया, नहीं अच्छा लग रहा फिर भी खाइए, क्योंकि आपको अपना स्किन साफ बनाना है। हो गया ये नींबू पानी हो गया, और ब्रेकफास्ट में गाजर और चुकंदर हो गया। उसके बाद आपको कुछ नहीं खाना है, सिर्फ पानी पीना है। पानी का बॉटल लीजिए, बड़ी सी बॉटल, और उसमें भर के रखिए, और जहां जहां आप जाइए बॉटल लेके जाइए, उसको पीते रहिए। उसके बाद लंच की बात करते हैं। लंच में आपको प्रॉपर डाइट, प्रॉपर आहार लेना है। जैसे आपको सैलेड बनाना है एक बाउल भर के, और आपको बाउल भर के सब्जी खानी है, हरी सब्जी, तुरई हो गई, लौकी हो गई, करेला हो गई, पालक की सब्जी हो गई, नेनुआ की सब्जी हो गई, आपको भर के खानी है। ठीक है, दाल आपको अरहर की सीप, अकेले दाल नहीं बनाना है, उसे मिक्स करके बनाना है, 5 दाल होना चाहिए, उसको मिक्स करके आप बनाइए। ठीक है, सब्जी हो गई, दाल हो गई, और आपकी आपकी रोटी हो गई। ठीक है, तो 2 रोटी लीजिए, थोड़ी सी सब्जी की मात्रा ज्यादा और सलाद की मात्रा ज्यादा। उसके बाद दाल लीजिए 1 कटोरी, रोटी 2 रोटी लीजिए, और थोड़ी सी राइस लीजिए। ये हो गया हमारा लंच।
ठीक है। लंच के बाद हम चलते हैं शाम को, जैसे ही 4 या 5 बनता है, 5 बजता है, तो सब चाय पीने लगते हैं। आपको चाय नहीं पीना है, कॉफी नहीं पीना है, बिल्कुल भी नहीं पीना है, स्किप करना है। तो 4-5 बजे आपको बस क्या करना है, ल्यूकवार्म वाटर लेना है, थोड़ा सा गुनगुना पानी, और उसमें नींबू निचोड़ना है, निचोड़ के आपको 1 ग्लास पी लेना है, और 10-20 मिनट इधर उधर टहलना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, शाम को कुछ खाने को चाहता है ना, क्या खाएंगे आप, फ्रूट खाएंगे, प्लेट भर के खाएंगे। उसमें क्या क्या होना चाहिए, उसमें होना चाहिए ऑरेंज, संतरा भर के होना चाहिए, क्योंकि उसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। संतरा खाना है, चेरी खाना है, कीवी खाना है आपको, मौसमी अगर आप नहीं खा पा रहे हो, मौसमी का जूस पी लीजिए आप, कीनू खाइए, ठीक है। आप बनाना भी खा सकते हैं, इससे हमें एनर्जी मिलेगी। और ये सारी चीजें आपने खा लिया है ना, शाम का पेट भर गया आपका, अब आता है डिनर का टाइम। और डिनर में क्या करना है, सब्जी खाना है, सब्जी आपको ज्यादा लेना है, 1 बाउल भर के लेना है, और 2 रोटी खाना है, ठीक है। बाउल भर के सब्जी खानी है, वो सब्जी हरी सब्जी होनी चाहिए, और वो बिल्कुल भी मसाले वाली सब्जी नहीं होनी चाहिए, ऑयली सब्जी नहीं होनी चाहिए, तेल उसमें ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप अपने पिगमेंटेशन की जो की जर्नी में आप जब जब सही कर रहे हो ना, जब ये डाइट फॉलो कर रहे हो ना, तो आप सब्जी अपनी अलग बनाइए, अलग कढ़ाई में बनाइए, थोड़ी सी तेल डाल के बनाइए, हाँ जी। उसके बाद आपको मैं बता देती हूँ क्या खाना है क्या नहीं खाना है। दूध आपको थोड़ा सा मात्रा में पीना है, अगर आप बहुत ज्यादा दूध पीने के शौकीन हो तो आप तो कम मात्रा में कर दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं दूध भी बहुत ज्यादा गर्म करता है। आपको प्रोटीन मतलब प्रोटीन थोड़े थोड़े मिलते रहेंगे, आपको पनीर थोड़ा खाना है, आपके बाजरे की ना रोटी खानी है ना बाजरे की कोई भी चीज़ खानी है, क्योंकि बाजरे की जो भी चीज़ बनती है ना सब गर्म करता है बहुत ज़्यादा बॉडी को। ड्राई फ्रूट्स वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं खाना है आपको, ये बहुत गर्म करता है। गूगल पे मत जाइए कि गूगल हमें क्या बता रहा है, क्योंकि गूगल तो बताता है ड्राई फ्रूट खाओ, जो गूगल बताता है सोयाबीन खाओ, सोयाबीन के दाने पी खाओ, सोयाबीन के दूध पियो, आपके पिगमेंटेशन ठीक करेंगे, बिल्कुल नहीं, ये सब नहीं करता है। क्योंकि मैं पहले खाती थी, मुझे नॉलेज नहीं था, मैं भी गूगल सर्च कर करके ये सब खाने पीने लगती थी, और जिसकी वजह से मेरी स्किन और ज्यादा गंदी हो गई थी। तो मैंने अपने डॉक्टर से बोला कि डॉक्टर मतलब गूगल पे तो ये चीजें थी, मैंने ऐसे फॉलो किए, तो डॉक्टर बोली कि अरे सारी चीजें सही नहीं होती है, ये गूगल भी तो इंसानों ने ही इसमें पुट किया है, जो भी आपको देता है, जो भी जो आप सर्च करते हो आपको बताता है, वो सब तो इंसानों ने ही पुट किया है उसमें। तो मैंने कहा मैम ये सब सारी ड्राई फ्रूट मैं खाती थी बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने पिगमेंटेशन के टाइम में जब मैं ठीक करने के समय डाइट फॉलो कर रही थी, मैं बिल्कुल भी ड्राई फ्रूट नहीं खा रही थी, बिल्कुल भी नहीं खाना है आपको। और आपको दूध दही कम मात्रा में खाना है, पनीर कम मात्रा में खाना है। उसके बाद मैं बता देती हूँ कि आपको बाहर का खाना मत खाइए, बिल्कुल भी मत खाइए, ब्रेक लगा दीजिए, आपको 3-4 महीने तक मत खाइए। खा रहे हो तो फिर पानी पीजिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पियो, और तेल मसाले वाली चीजें मत खाइए। तो डिनर में आप बाउल भर के कटोरी, 1 कटोरी सब्जी लीजिए और 2 रोटी, और मस्त से आप सोइए आराम से, रात को दूध मत पीजिए, सुबह ही दूध ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद पानी भर भर के पीते रहिए, पानी का कोई लिमिट नहीं है, पानी आप जितना पियेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। इससे आपकी स्किन तो साफ होगी, पिगमेंटेशन मेलाज़मा झाइयां ये सब तो जाएंगी। ये जो डाइट है ना, इससे आपके बाल, आपके नेल, सारी चीजें अच्छी होंगी, क्योंकि मैंने ये देखा। सप्ताह में 2 दिन आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब है कि अगर आप 7 बजे शाम को खाना खा रहे हो, जैसे आज आप 7 शाम को 7 बजे खाना खा रहे हो या 8 बजे, तो कल सुबह आपको 12 या 1 बजे खाना है सीधे। तो हफ्ते में 2 दिन ये करिए, और तब तक आप 7 बजे से लेके रात तक आपका पेट ऐसे ही रहेगा, कुछ आप नहीं खाओगे, है ना। ब्रश करने के बाद आप सो जाइए, उसके बाद सुबह उठिए ना तो पानी वानी पी लीजिए, नींबू नींबू निचोड़ उचोड़ के। उसके बाद आप कुछ भी खाइए, सिर्फ पानी पीते रहिए 12 या 1 बजे तक। उसके बाद 1 बजे जब आप लंच करोगे तो प्रॉपर प्रॉपर आपकी थाली में सब कुछ होना चाहिए, सब्जी, दाल, चावल, रोटी, सब सैलेड भर भर के होना चाहिए, तब आप खाइए। लेकिन हफ्ते में 2 दिन करिए, इससे हमारा जो पेट हुआ है ना बिल्कुल भी साफ हो जाएगा, सारे डिटॉक्स हो जाएंगे, और बॉडी एकदम साफ सुथरी, लिवर अच्छी हो जाएगी, और आपके बाल, आपके चेहरे पे ग्लो आएगा, आपका फेस बहुत ही साफ सुथरा लगेगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा।